सुजानगढ़ की वार्ड क्रमांक 46 में गरो की बस्ती के बीच चल रही एक फैक्ट्री में आज सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर हेमराज रेगर, नरेश रेगर गंभीर रूप से झुलस गए। इसके अलावा फैक्ट्री के पास की दीवार भी टूटकर सड़क पर गिर गई। घायल मजदूर हेमराज ने बताया कि गुरुवार दोपहर से ही काम करते समय गैस की बदबू आ रही थी। गैस लीक होने की सूचना भी मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक नानूराम प्रजापत को दी, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज सिलेंडर फट गया। हादसे के तुरंत बाद घायलों को दूसरी फैक्ट्री के मजदूर नरेश कासोटिया, जीतू जूनवाल, दीपक धोलिया ने घायलों को राज्य के बगाड़िया अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों गंभीर घायल को उपचार करवाया। चिकित्सकों ने दोनों गंभीर घायलों को रेफर कर दिया। फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। फैक्ट्री में इस दौरान घरेलू उपयोग में आने वाले सिलेंडर भी मिले। और कितने लोग घायल हुए? दो लोग घायल हुए और दो बार को करीबन हम तो हमारे घर में सो रहे थे तो जोर से ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई बम फूटता उस हिसाब से। तो उठ के बाहर देखा तो सारे लोग गली में भग रहे थे, तो यहाँ आके देखा तो एक आदमी तो नीचे दब रहा था उनकी मशीनों के नीचे, और एक बाहर निकल गया था। तो जो दब रहा था उसको हमने निकाला, उसके सिर में भी लगी हुई है, हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। तो ये है तो गलत, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं फैक्ट्री में। और एक फैक्ट्री इसकी और भी बता रहे हैं, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा हादसे होने से टल गया, एक्सीडेंट पास में पड़ा, वो फटा नहीं, वो फट जाता बहुत बड़ा यहाँ नुकसान होता। कुछ लोग बता रहे हैं कल भी गैस लीक थी, क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि कल यहाँ काम करने वाले मजदूर ही कह रहे थे कि कल लीक थी, तो हमने सेठ को बोला कि ये पाइप लीक है, गैस निकल रही है, तो सेठ ने सुनाई नहीं करी। अब यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं पहले से जो काम करके गए, वो कह रहे हैं कि सेठ किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी मनमर्जी करता है, इसलिए ये हादसा हुआ। और ये तो अच्छा रहा कि छोटा हादसा हुआ, और सिलेंडर दूसरा फट जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता है, यहाँ कई लोग मरते हैं।